अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो जी आज है संडे, आज हमें जाना है मेरी ननद के घर खबर लेने, क्योंकि उसकी बेटी जो है बीमार थी एक दो दिनों से। तो हम जा रहे हैं आज। मैंने संडे का काम जो है सैटरडे को ही कर लिया था। सब्जी हो गई थी, लॉन्ड्री हो गई थी, आयरन वगैरह, इब्राहिम की यूनिफॉर्म वगैरह मैंने सारी प्रेस कर ली थी। मतलब कल मैं 10 बजे रात तक लॉन्ड्री कर रही थी, काम सारा करके रखा मैंने। तो आज हम जा रहे हैं मेरी ननद के घर। तो ठीक है, मिलते हैं। चलो चलो, कहाँ जाना है? बुआ के घर। बुआ के घर जाना, चलो। सो वी आर लिविंग फॉर द ननद्स होम। तो इब्राहिम जो है कल स्कूल से आके ही नानीहाल गया। उसके मामू आए थे उसे लेने, तो वो गए हैं नानीहाल। तो इब्राहिम के बाबा, स्वाद बीबी और मैं जा रहे हैं ननद के घर। फिर उसके बाद वहाँ से आके हमें जाना है, कुछ ग्रोसरी लेनी है। तो वहाँ हम एक आधा घंटा बैठेंगे, तो फिर निकलेंगे वहाँ से। चलो पढ़ते हैं सफ़र की दुआ। आज मैंने ये वाला बैग निकाला है। क्या पता। स्वाद बीबी, आपको कहाँ जाना है? हाँ, कहाँ जाना है? बुआ पास। बुआ पास जाना है स्वाद को। मैं जितना दे मिला ब्यूटिफुल। या तो चुनते तो ले पढ़े क्या पर ज्यादा ऐसे यूर को तो जंगल छे। So we are reached. We have reached. So I'll be pane trao kha? Tra pane wala. It's a good boy. So I'll be tra pane trao. तो जी निकले हैं हम अब घर की तरफ से, रेल वाला। उसके बाद गए हम हस्बैंड की मासी के घर, जो कि वहीं पे रहती थी। तो इन्होंने लंच के बगैर छोड़ा नहीं, फिर हमने लंच जो है वहीं पे कर लिया था। गिव टू मी स्वाद। स्वाद तो अब हम निकल रहे हैं। आप कहाँ थे? आप कहाँ गए थे? आप गए थे मासी दादी के घर। मासी दादी के घर गए थे? आपके बाबा की मासी हुई आपकी मासी दादी, ठीक है। तो जी नंद के घर से निकलने के बाद हम गए थे हस्बैंड के मासी के घर। वहाँ पे भी जाना था किसी काम से, तो वहाँ से निकले हम। अब हम जाएंगे सीधा डिपार्टमेंटल स्टोर, क्योंकि हमें कुछ ग्रोसरी लेनी थी। तो चलिए आप भी हमारे साथ। ये हेयर वी केम। चलो जी, यहाँ पे हमें कुछ लेना है ग्रोसरी। एक बास्केट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अपस्टेयर्स। यहाँ से आई थिंक उठाई मैंने बास्केट यहाँ से। तो करेंगे हम स्टार्ट शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग। ऑरेंज
सेकंड फ्लोर पे जाना है। चलो सेकंड फ्लोर। चलो डाव है ये, हम डाव लाते हैं ना सिंथॉल डाव से, तो फिर डाव ही है ना बेहतर। कहाँ जाना है? छोटू बेबी खुद शॉपिंग कर रहा है। सौद बेबी क्या लाना है? चलो करो आप जल्दी जल्दी, मैंने ये वाली हील वाली चप्पल पहनी है आज, तो मुझे थोड़ा तकलीफ हो रही है चलने में, आज बहुत दिनों बाद पहनी हील वाली चप्पल। ये क्या खड़ा है यहाँ पर? सौद बेबी क्या निकालना है वहां से? ये कहाँ जाना सौद बेबी? यहाँ से ये परफ्यूम साइडियो वगैरह ऊपर जाना है सौद बीबी, थर्ड फ्लोर पे। ये कुछ इस तरह का यहाँ से है, देखिए किचन वाला सेक्शन आ चुका है, माय फेवरेट। वाव, यहाँ से ये सारा किचन वाला एरिया है यहाँ पे। अगर इब्राहिम को पता चलेगा कि गए थे वहाँ, छोड़ेगा नहीं। तो हम आते थे यहाँ, लेकिन इस बार इन्होंने यहाँ थर्ड वाले फ्लोर पे जो है बच्चों के लिए फन सिटी लगाई है, गेम्स वगैरह। तो चले, लेकिन इब्राहिम अभी नानी हाल में है, अभी हम सौद बेबी को ले जा रहे हैं यहाँ। देखिए वाव, आशीर वह और गसने जरूरत थी, ऐसे सो इब्राहिम सो व्यू रहा मैम। इब्राहिम सो बस खतरा, इब्राहिम को हम इंशाल्लाह जरूर लाएंगे यहाँ, इंशाल्लाह जरूर। हम जाने दे वहाँ ना, बास्केट मैं नीचे रखी। अब ना हम वापस से उतरे, हमें सिर्फ जस्ट देखना था, तो क्योंकि अभी हमें ग्रोसरी लेनी है और इब्राहिम को ननिहाल से वापस लाना है, फिर उसकी हेयर कटिंग करानी है। तो मैंने बास्केट जो है यहाँ पे रखी थी अपनी। ये देखिए मेरा किचन वाला सेक्शन आ चुका है,
देखिए कितनी प्यारी प्यारी चीजें हैं। देखिए टी सेट्स कितने प्यारे हैं। देखिए ये ब्लैक वाला मुझे पसंद आ गया। श्मग्स, वाव। सॉ बेबी को अब हमने इसमें डाल दिया। चलो ये तंग कर रहा था, अब नहीं करेगा। तो जी मैंने चप्पल जो है इस पे रखी और मैं नंगे पैर चल रही हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ ऐसे ही, क्योंकि मुझे अनकंफर्ट हो रहा था हील वाली चप्पल में। आज मैंने बहुत दिनों बाद पहनी इसीलिए। ऐसा कुछ नहीं है, फिर उसको प्रेस्टीज वाले बनाते ही नहीं। स्वाद बेबी, ये वाली पैन मुझे लेनी थी लेकिन बड़ी महंगी आ रही है, सो नेक्स्ट टाइम लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे सूट केस है, इन पे भी ऑफ है, अगर किसी को लाना हो तो वो यहाँ आए। आई थिंक उनको ये वाइट वाले थे। नहीं, मुझे लगता है ये शॉबी भी क्या ले रहा। आजा शायद बेबी ने कर ली शॉपिंग। निकलो मैं। तो जी शॉपिंग वगैरह हमारी हो चुकी है, हम निकले अब घर की तरफ। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो पहले हम लाएंगे इब्राहिम को नानी हाल से वापस, फिर उसकी हेयर कटिंग करानी है क्योंकि कल मंडे है, उसके बाल बहुत ज्यादा आए हैं, स्कूल जाना है उसे। तो अभी ले जाएंगे उसे, तो इब्राहिम को ले जाएंगे सैलून के पास। तो मैंने जो है डिनर की तैयारी सुबह ही करके रखी थी तो अभी बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया है। तो इस व्लॉग को करूँगी मैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में। तब तक आप अपना अपना पूरा ख्याल रखिए, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।